हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोयल्स किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी पनीर कटलेट। ये एक बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक्स है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। और ये डिश बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड ले लिया है और यहाँ पे ले लिया है कुछ ब्लैक पेपर और नमक। यहाँ पे मैंने पनीर को क्रश कर लिया है और यहाँ पे है कुछ मोज़रेला चीज़ और ये है ब्रेड क्रम्स। और अभी हम ब्रेड के बॉर्डर को काट लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। और अभी हमने एक बोल में पानी ले लिया है और उसमें जो ब्रेड पीसेस है उसे सोक करके फिर प्रेस करेंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा। तो ऐसे ही सारे ब्रेड को सोक करके उसके पानी को निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे ब्रेड को वैसे ही कर लिया है और अभी हम जो मिक्सचर है वो बनाएंगे, क्रश्ड चीज़ और पनीर, और उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। सॉल्ट ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसमें चीज़ है। और अभी इसे हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें ऐड करेंगे कुछ चॉप्ड ग्रीन चिलीज। और अभी इसमें ऐड करेंगे ओरिगैनो। और अभी हम एक एक करके ब्रेड लेंगे और जो मिक्सचर हमने बनाई है उसे डालेंगे और रोल की तरह रोल आउट कर लेंगे बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही मैं सारे ब्रेड को बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने मैदा और पानी के साथ एक बैटर बना लिया है और जो ब्रेड रोल है उसे हम अभी इसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही सारे ब्रेड को मैदे के बैटर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करके कोट करना है, नहीं तो ब्रेड क्रम्स अच्छे से नहीं लगेंगे। तो देखिए, मैंने सारे बना लिया है और फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी हम एक फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड करेंगे और हीट कर लेंगे और इसे एक एक करके सारे फ्राई कर लेंगे। और इसे बोथ साइड से फ्राई करेंगे जब तक कि ना ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए, ये लगभग रेडी है। अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए,
ये बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। ये बहुत ही चीज़ी लग रही है देखने में। तो रेडी है हमारा चीज़ी पनीर कटलेट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें।